हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हो चुके हैं शाम के 4:45। तो आज थोड़ा सा व्लॉग जो है हमने लेट शुरू किया है, क्योंकि सुबह से बच्चों की क्लास थी, उसके बाद हमारा लंच हुआ, और आज हमारे मम्मी ने वैक्सीनेशन भी करवा लिया है। मम्मी का फर्स्ट डोज हो चुका है, और आज हम थोड़ा सा घर वो कर रहे हैं, क्योंकि उधर जो मकान बन रहा था तो उसका हमारा नीचे का जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, उसका थोड़ा सा ही काम बचा है। तो आज मम्मी बोल रहे थे तो थोड़ा सा समेटते हैं, क्या सामान रखना है वहाँ पर क्या नहीं, तो वही बस हम कर रहे थे। देखिए, जैसे कि खलेरा पड़ा हुआ थोड़ा बहुत, ये देखो यहाँ पर भी सामान बिखरा पड़ा है थोड़ा, तो ये समेट रहे थे हम। और मैडी लगा हुआ है उसके साथ डॉल के साथ खेलने, सब जुटे हुए थे सफाई अभियान में। तो अभी हमें ये सामान देखते देखते अभी जो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है वो है, मैं दिखाती हूँ। मम्मी ने बहुत सारे जो छोटे बच्चों के सेट बना रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, बहुत अच्छे डिज़ाइन है। ये देखिए पहला सेट है जिसमें मम्मी ने ये इतना प्यारा ग्रीन और क्रीम का कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉबेरी ऐसे ही ऊपर बनाया है, और इसी के साथ कैप है, दिखाओ, एप्पल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। और ये देखिए ये कैप है, ये पूरा सेट, और है। एक ये पूरे सेट ही बनाए हैं। शूज देखो इतने प्यारे लग रहे हैं, और ये लग ही नहीं रहा कि हैंडमेड है, और ये मम्मी ने इतने अच्छे अच्छे बनाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है साथ में देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर छोटी बच्ची होती तो मैं ही डाल लेती है, क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो शूज, और ये ऐसे, और दूसरा सेट दिखा रही हूँ, ये देखो ये फर्स्ट है, दूसरा दिखा, दूसरा है। मम्मी ने बहुत सारे सेट ऐसे बना रखे हैं, क्योंकि जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये यही चीज़ सेकंड सेट है बनाते हैं। ये देखो ये पिंक एंड वाइट, इसके इतने प्यारे शूज और कैप, सबका पूरा पूरा सेट बना रखा है। ये देखो ऐसे कुछ, ये लेजिस भी है, एक ये देखिए साथ में लेजिस, एक ये कैप है, ये देखो इतने प्यारे। और ये गाइस, ये आप देख के कह ही नहीं सकते कि हैंडमेड, ऐसा लग रहा है कुछ मशीन से बनाए हैं, लेकिन ये सच में मम्मी ने बनाए हैं। ये देखिए इतने सुंदर डिजाइन है, या एक बिल्कुल वो उसके बीच में देखो सर्कल से डिजाइन है, ये बहुत क्यूट से डिजाइन है, बहुत प्यारे प्यारे, और कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा ना, बेबी जो स्वेटर के हिसाब से जो अलग कलर्स आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट दिखा दी बेटा, दिखा दिए। ये देखो थर्ड डिज़ाइन है इसका जो है, ये जो शूज़ डिज़ाइन है, सॉक जो बूट टाइप बनाया है इसका डिज़ाइन, और ये ऐसा इसकी कैप भी है, दिखाइयो कैप, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये देखो ये भी, नेक्स्ट दिखाइयो नेक्स्ट, ये सी ग्रीन और उसमें है वाइट कॉम्बिनेशन है, बहुत इसमें शायद फ़ोन में नहीं दिख रहा है कलर में, लेकिन ये सी ग्रीन है, इसमें ब्लू दिख रहा है, वैसे इसका कलर सी ग्रीन में आ रहा है। नेक्स्ट, तो अभी एक स्काई ब्लू है, ये है, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। ये एक स्वेटर के अंदर देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने नानी से सीखने की कोशिश करी पर सीख नहीं पाया, कभी सीख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके साथ के इसके साथ भी गाइस कैप और कैप है, वाओ कितने देखो ये देखो पैक वाले है, देखो ये ऐसे लग जाएगा, देखो कितने सुंदर है, कैप है इसकी बहुत अच्छी, और इसके वो हर तरह के जो है शूज़ वो अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। देखो ये कैसे है, ये इसका बटन लगेगा यहाँ पर कुछ ऐसे, हाँ, ये यहाँ पर वो बटन लग जाएगा तो ये ऐसे बांध देगा इसको, देखो यहाँ पे ऐसे बटन, ठीक से दिखाओ इसको, ये इसको ऐसे ये ऐसे नानी ने बनाया, ये बटन यहाँ पे लगेगा तो यहाँ से ये ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये हर टाइप के शूज डिजाइन वाले अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, बहुत क्यूट है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, क्या भी दिखा दिया मैंने, नेक्स्ट है ये सांता क्लॉस रेड और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन, इसमें बटन लगे हुए हैं, ये देखो बहुत प्यारा, तो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं डाल लूं, मेरा भी मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा भी मन कर रहा है, तो कैप पहन लूं ब्लू वाली, और इसके भी शूज टाइप है, इसके जो बनाई है सॉक्स, इसके
ये नेक वाले शूज है। ये देखिए जैसे मैं बोल रहा था वो बंद करने के लिए वैसी है। देखो ये अलग डिजाइन है। हाँ डिजाइन ऐसी है पर ऐसे पीछे को करके दिखाओ थोड़ा सा, देखो सीधे करके दिखाओ। यहाँ पे ऐसे इतने प्यारे डिजाइन है। देखो बटन खुलते रहे, ये खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। अभी मत खोल, ऐसे रहने दे, रहने दे, मैंने रहने दे, रहने दे। अरे ऐसे खुल जाता दिखाऊं, ये ऐसे खुल जाएगा। और ये इसके कैप है, कैप पहन सकते हैं हम, है ना। हम नहीं, छोटा बेबी पहनेगा। मैं भूल जाता हूँ। जो मामी के आएगा। ये बहुत क्यूट डिजाइन है। और ये कैप और ये पूरा सेट है। नानी ने और बना बना के इतने सारे रखे हैं, इतने सारे ना, मतलब गिन गिन के थक गए हम। ये कितना डिजाइन नंबर, इसके अभी बटन्स नहीं लगे हैं, ऐसे है, ऐसे खुला हुआ है। तो जो भी ऑर्डर्स पे बनवाना चाहते हैं गाइस बनवा सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल कर दिए। जो भी हमको बच्चों के लिए स्वेटर्स बनाना लेते जाते हैं आप, हाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। बेबी सेट बच्चों के लिए, छोटे छोटे के लिए, एक ये भी बच्चा क्रिसमस। और ये ट्रस्ट मी बहुत गर्म है, मतलब जैसे आपको बाजारी जो स्वेटर्स होते हैं ना इतने गर्म नहीं होते। ये जो ऊन है और ये हैंडमेड है, ये इतने गर्म होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, इस पर ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। बहुत अच्छे मतलब है ये डिज़ाइन। एक और है, मतलब मम्मी दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है ऐसे कि बस। ये रेड वाले हम बच्चे क्रिसमस पे पहन सकते हैं। देखो इसमें इसके पे भी बटन नहीं लगे हैं, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन स्वेटर्स के, सो क्यूट। मतलब ये इतना अच्छा कैप, मैंने सीखने का भी इसलिए मन करा क्योंकि इतनी अच्छी आर्ट है ना, क्या कहे। देखो इतने अच्छे डिजाइन, मेरा मन कर गया मैं भी सीखूं। कैप दिखाओ, मैंने कैप सीख नहीं पाया, बहुत मुश्किल है। ये इसकी कैप है और इसके तो सैंडल टाइप शूज बनाए हैं। ये तो अमेजिंग है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, जैसे सैंडल्स होती है अमेजिंग सैंडल टाइप ये बनाए हैं कि आप, मतलब ये भी वो बटन वाला डिजाइन है जैसे। टैलेंट है भाई, टैलेंट मम्मी में, मतलब ये मैंने टैलेंट सीखने की बहुत कोशिश करी। दिखाइयो, सो क्यूट। ये देखिए यहाँ पर ऐसे वो बटन लग जाएगा, वही वाला डिजाइन जैसे बटन लग, ये देखिए गाइस। जो भी आपको कौन सा मतलब अच्छा लगा, एक तो पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा कि बहुत अच्छा। मम्मी हर तरह के डिज़ाइन डाल लेते हैं, हर तरह के स्वेटर बना लेते हैं। जिसको भी अगर बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और है जैसे, अब फटाफट से दिखाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। एक ये डिज़ाइन है, मतलब फास्ट, ये देखिए एक ये डिज़ाइन है, इसके सॉक्स है और उसकी कैप है। मम्मी ऐसे मतलब जब फ्री होते हैं तो ये ऐसे बना बना के रख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये हैंडमेड है, ऐसा लग रहा है वो जा रही है, बिल्कुल मशीनी लग रहा है डिजाइन। इसमें एक मुझे मतलब इतना, ये वाला एक जो अभी मैं दिखाऊंगी गाइस आपको, मुझे इतना अच्छा लगा ये कैप भी। ये कैप है एक, अभी वो जो दिखाना मैं पिंक वाला, वो जो आपके लास्ट नीचे है, ये तो दिखा दो कैप अच्छे से। एक ये है वाइट में, ऑफ वाइट में, एक ये ऑफ वाइट में है, बिल्कुल वाइट है। ये देखिए इसके भी बटन्स नहीं लगे, अभी सारे बटन्स हम लगाने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे मार्केट तो इसके बटन्स वगैरह सारे इकट्ठे ले आएंगे। ये ऊपर तक जैसे लगता है कि बहुत अच्छे शूज है। ये इसकी कैप है, क्यूट है यार, कैप दिखाओ कैप, अच्छी लगे ये। और सबसे अच्छा डिजाइन जो मुझे सब में से इतना, एक तो मतलब प्यारे तो बहुत अच्छे सारे ही हैं, लेकिन मुझे ये वाला जो है ना, मतलब इतना प्यारा लगता है ना, इसमें जो ग्रे और पिंक का कॉम्बिनेशन आया ना, इतना क्यूट मतलब लगता है ना ये कलर और कॉम्बिनेशन इसका, इतना अच्छा। और इसकी भी कैप और वो है, कैप कैप है और ये है। आप ना कॉमेंट करना आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा, और अगर आपको कुछ ऑर्डर बनवाना हो तो कॉमेंट में लिख सकते हैं, नानी आपको बना कर देगी अपने हाथों से। ये देखिए कैप और ये है। आगे वैसे भी विंटर आने वाली है तो जिनको मतलब बनवाना है तो वो बनवा भी सकते हैं ऑर्डर पर। अभी ये बच्चे के
अभी ये बच्चे के दिखा रहे हैं, अगर किसी को बड़े को बनवाने तो बड़ों के ऐसे नहीं बनते हैं, छोटे बच्चों के बनते हैं ये। सो जल्दी जल्दी दिखा फटाफट से दूसरे। अब अभी बहुत सारे हैं गाइस, मतलब देखे इसमें से जल्दी जल्दी देखेंगे हम। तो आज हम सोचे थे कि आज ये चीज करें तो इस चीज पे वीडियो बनाते हैं। वाओ, ये ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है। देखो ऊपर जो मम्मी ने हैंड मेड फ्लावर बनाए हैं, देखिए वाओ सो क्यूट। इसकी हमारे शूज घूम चुके सेट के, तो आपको यही होंगे गाइस, क्योंकि सामान अभी थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी समेटे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग वहाँ पर शिफ्ट होने की अब कर रहे हैं, जल्दी से जो नीचे का फ्लोर है वो तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि बताती हूँ वो ये मम्मी ने बनाया बची हुई, जो मतलब सारे स्वेटर्स में से जो थोड़ी थोड़ी ऊन बच गई थी तो ये मम्मी ने एक सेट उसका अलग से बना दिया। कितना अच्छा डिजाइन बन गया है, देखिए इसकी कैप भी बनी है, शूज एक ब्राउन वाला दिखा दिया। एक और दिखाएंगे ब्राउन वाला, एक चला डल रहा है, ये भी बहुत सुंदर है, ये फ्लावर्स का डिजाइन। एक सेकेंड देखो, ये एक ये ब्राउन और ये ऊपर इसका ऊपर जो वो है फ्लावर बनाया हुआ है हाथ से, इतना प्यारा लग रहा है। ये भी कॉम्बिनेशन, इसकी भी कैप घूम चुकी है तो होगी यहीं पे, कहीं नहीं गई होगी, यहीं पे होगी। तो एक और लास्ट है हमें, वो जो लास्ट पीस है मेरा, ये एक ये लास्ट दो मम्मी ने बनाए थे जो बची हुई ऊन के बने थे, जो जो थोड़ी 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 ऊन बच गई थी उनका बना हुआ था। 15 कलर्स गाइस, 15 कलर्स का स्वेटर बना है ये, बहुत हार्ड वर्किंग है, अमेजिंग। इसके सॉक्स और ये दिखा मैंने, कोई कह सकता है ये बची हुई ऊन के बने हैं, मतलब ये देखिए इतने सॉफ्ट, और ट्रस्ट मी गाइस ये हैंडमेड है और बहुत ही गर्म रहेंगे बच्चों के लिए। ये तो अभी हमने वैसे घर के लिए बनाए हैं घर के, लेकिन हमें अभी ये सेल के लिए नहीं है, मैं जस्ट ब्लॉग में दिखा रही हूँ आपको कि मम्मी ने बनाए हैं ये, इनमें से अभी कोई सेल के लिए नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है ऑर्डर के। और भी हैं अभी ये देखें, छोटे से छोटा न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बन सकते हैं डिज़ाइन। ये देखें जल्दी जल्दी दिखाओ मैंने फटाफट से, ये देखिए वाओ। मां जैसे बोल रहे हो कि ये हैंडमेड ही है, गाइस को ऐसे ही पता चल जाएगा, इतना स्वेटर खरीदता कौन है, ये हैंडमेड ही है, खरीदने को खरीद भी सकते हैं। नानी ने सारे अपने हाथों से बनाए हैं तो बहुत हार्ड वर्किंग है। जल्दी वो दिखा ग्रीन वाला है, और ये ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर, वाओ सो कैप का नानी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने ग्रीन वाला दिखाओ जल्दी फटाफट से, ये देखिए गाइस ग्रीन ग्रीन कलर का, और इस पे जो डिजाइन है ये देखिए बहुत, ये मतलब डीप डिजाइन है मम्मी, इसकी क्वालिटी देखो, प्राउड ऑफ यू। मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी शायद, मम्मी ने बहुत कोशिश करी कि सीख ले लेकिन नहीं, मेरे को अमेजिंग, ये मेरा फेवरेट है, अमेजिंग। आपको भी बताना कौन सा अच्छा लगे, हैट्स ऑफ हैट। वैसे तो गाइस मम्मी ऑलराउंडर है हमारे, ऐसा कोई काम नहीं है, वो सब काम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं वो हर एक काम में, मतलब कहते हैं ना सुपर, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है शुरू से लेकर जो अभी तक उनको नहीं किया हो। ये देखिए लास्ट है ये वाला कलर, ये भी बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, सो क्यूट। ये देखिए शूज है, इसकी कैप भी है, सो क्यूट। कैप ही सिंगल वाली, जैसे कि गाइस कितने सेट है अराउंड, मेरे को 10-11 होंगे, ज़्यादा मोर देन 18 सेट बनाए हैं मम्मी ने गाइस, 18। जैसे कि मैं बता रही थी मम्मी हमारे ऑलराउंडर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो शुरू से लेकर अभी तक ना किया हो, निटिंग में और वो जो क्रोशिए का सेट बनाते हैं वो भी A1। अभी जैसे मैं अभी हम लोग सामान सेट कर रहे थे तो हम, मनन वो दिखाइयो पीछे आपके पड़ा है, मनन वो दिखाइयो, मम्मी ने एक सेट बनाया था
जब हम मतलब कॉलेज जाते थे गाइस, मैं अपने कॉलेज टाइम के दिखाती हूँ स्वेटर, तब भी मम्मी हमें हाथ से बना के देते थे। अब ये देखिए मेरा, मेरे ब्रदर का स्वेटर है, जब हम कॉलेज जाते थे तो ये वो डालता था और हम शेयर कर लेते थे हर चीज़, जैसे कभी उसने डाल ली कभी मैंने डाल ली। तो अभी ये क्या है, अब सब बड़े हो गए और अपने अपने उसमें लाइफ में मूव ऑन हो गए, आगे शादियां हो गई। तो अभी ये मम्मी कहते हैं मनन को दे देते हैं, मनन के आ जाएगा मामा का स्वेटर। एक और है, एक और दिखाना, वो ग्रीन ग्रीन भी मैंने ले लिया है। ये देखिए जिप वाले भी मम्मी, ये मम्मी ने ही बनाया है, ऐसे जिप जिप भी लगाते हैं। और भी बच्चों के भी अभी मम्मी ने बहुत अच्छे, जैसे संजू सुबह के देखिए, जैसे येलो और वाइट का मम्मी ने एक बनाया था। ये अब मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि सबकी शादियां हो गई, तो वो ये कॉलेज टाइम के हैं स्वेटर्स हमारे। तो ये मम्मी ने बोला ठीक है मनन के आ जाते हैं, तो ये मनन को दे देते हैं। मनन ने डाला, ट्राई किया तो आ गया उसको। तो ये मम्मी ने एक और स्वेटर है जो मैं दिखा रही थी आपको, ये हम कॉलेज में पहन के जाते थे, वो ग्रीन वाला दिखाना, ये भी मम्मी ने बनाया। देखिए जैसे मैं ग्रीन स्वेटर की बात कर रही थी, ये भी हमारे कॉलेज का स्वेटर है। ये जब मैं वो भी है, देखो पॉकेट वाला भी है, ये देखो मम्मी ने पॉकेट में, इसके थोड़े से जिप खराब हो गई है, जिप मम्मी नहीं लगा देंगे। तो ये मैंने कहा मम्मी ये मैं ले जाऊंगी, दिखा मैंने सीधा करके दिखाया इसको। ये जब मैं कॉलेज डाल के जाती थी ना, तो सारी फ्रेंड्स को मेरे इतने पसंद आता था ये स्वेटर, सब पूछते थे किसने बनाया, मैंने बोलती थी मेरी मम्मा ने बनाया, इतना प्यारा लगता था ये स्वेटर जब मैं कॉलेज में डाल के जाती थी। ये ऐसे दिख रहा है, जिप है आज आगे लग जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये ऐसे और पॉकेट पॉकेट वाला है, मतलब ये पॉकेट्स वाला भी बहुत कम है। मतलब हम कॉलेज टाइम भी हम बाज़ार से नहीं लेते थे स्वेटर, हम मम्मी ही बना के देते थे। और मेरे सूट भी स्टिचिंग भी कर लेते थे मम्मी, सूट भी मम्मी स्टिच करते थे, स्वेटर भी मम्मी बनाते थे। हम कभी बाज़ार से, बहुत कम होता था, रेयर होता था कि कभी कभी एक आधा ले लिया, कभी कभार ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज मम्मी ही बनाते थे हमारे स्वेटर्स और मेरे सूट स्टिच करना। कोई डिज़ाइन मैं अपने तरफ से दे देते थे, या फिर मम्मी को कुछ डिज़ाइन आता था तो वो सूट अपने मेरे सूट अच्छे सिलते थे। तो अभी कोई होगा अगर निकल आया अभी, तो मैं ज़रूर ब्लॉग में डालूँगी। तो अभी और अभी रिसेंट अभी मम्मी ने डॉल और सौभाग्य का बनाया है, कि डॉल के मम्मी ने दो टॉप बनाए हैं जो अभी बनाए हैं। अभी ये देखो मैं दिखाती हूँ, एक ये ब्लैक टॉप, ये देखो ये इतना प्यारा डिज़ाइन है। जब मम्मी डाल रहे थे तो मम्मी के एक फ्रेंड आए, उन्होंने जब ये देखा डिज़ाइन, तो उन्होंने बोला कि यार उनका भी धोती है, उन्होंने भी कहा कि नहीं मैं भी अपनी धोती के लिए बनाऊँगी, तो मुझे भी सेम डिज़ाइन दो। तो मम्मी ने उनको भी सेम ये डिज़ाइन बताया। ये देखिए नीचे ये जो मम्मी ने ऐसे किया, ये मम्मी क्रोशिए से किया, अपनी क्रोशिए से किया ना, सिलाई से किया है। देखो ये डिज़ाइन फ्रिल जो बनाई है, और ऊपर का डिज़ाइन गला मैंने बाजू दिखाई हो। ये देखिए ये टॉप बनाया है, ये आप जीन्स के साथ पहन लो, कोई किसी भी उसमें पहन सकते हो। ये डॉल का बनाया मम्मी ने, इतना प्यारा। एक दूसरे कलर का बनाया मम्मी ने, उसका दूसरा दिखा रहा। और कई लोगों का मैंने देखा है निटिंग करते हैं लेकिन इतनी जो सफाई नहीं होती, लेकिन मम्मी के हाथ में एक चीज़ है कि जो भी चीज़ बनाते हैं, वो जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे मशीन वाला बनाया हो, वो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हाथ से बनाया। जैसे अब इसमें इतने नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें दिखेंगी ना आपको, मतलब कोई कहीं पर कोई ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे डिज़ाइन ख़राब हो गया या उबड़ खाबड़ सा हो गया। कई होंगे डिज़ाइन जैसे सफाई नहीं होती है बिल्कुल हाथ में, लेकिन मम्मी के इसमें बहुत अच्छे, मतलब ये ऐसे सीधा करके दिखा पूरा ऐसे ऊपर, ये देखो मैं दिखाती हूँ ऐसे। ये इसका कॉलर वाला गला बनाया मम्मी ने, ये देखो ऐसे इसकी बाजू पे भी डिज़ाइन है। ये देखो ये दो मम्मी ने डॉल के बनाए हैं स्वेटर। तो ये मम्मी ने जो बेबी सेट बनाए थे वो तकरीबन 18 सेट बनाए हैं, और इतने प्यारे सेट लग रहे हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि अगर बस बड़े का होता है सब डाल ही लूँ, मतलब या मैं छोटी बच्ची तो मैं डालूँ। और इतने नीट एंड क्लीन बनाए हैं, मतलब वही जैसे मैं बता रही थी कि कईयों के हाथ में सफाई नहीं होती, लेकिन मम्मी के जो डिज़ाइन डालते हैं इतनी सफाई होती है, इतना नीट एंड क्लीन डिज़ाइन होता है। अभी जैसे दो सेट डॉल के बनाए हैं इन्होंने, टॉप बनाए हैं।
तो वो जैसे जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं, किसी के साथ भी डाल सकते हैं। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेट कैसे लगे, और कोई बनवाना चाहता है ऑर्डर पे तो हम वो भी बना के दे देंगे ऐसा कुछ, मतलब अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा सेट लगा आपको। और बस थोड़ा सा काम ऐसे चल रहा था तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग में ये डालते हैं। तो अभी हमारे मैडी जी आए हैं बारिश में, देखो नहा के, इसको इतना पसंद है बारिश में घूमना है, अगर इसको पता लग जाए बारिश हो रही है ये निकल जाता है बाहर और बस बोलता है छोड़ दो मुझे। हमारा उसको पोंछ रहा है, गीला हो चुका है वो पूरा, बारिश में गीला होके आया है बिल्कुल। तो अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं अभी, हमारा मुझे लगता है 1-2 घंटे लगेंगे, तो बीच में चाय ब्रेक हो जाएगा अभी हमारा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, और मम्मी का जो इतनी मेहनत की उन्होंने, क्या पसंद आया, क्या आपको कौन सा कलर पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।